दिव्यांगों का महापंचायत आयोजन को लेकर कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित। कोसी क्षेत्रीय विकलांग वृद्ध कल्याण समिति के तत्वावधान में डीबी रोड स्थित प्रधान कार्यालय में शनिवार को दिव्यांगों का महापंचायत आयोजन को लेकर कार्यकर्ताओं की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता संस्थान के अध्यक्ष विनय भूषण प्रसाद ने किया। श्री प्रसाद ने कहा कि दिव्यांग, विधवा एवं वृद्धों की आर्थिक समस्या को देखते हुए 400 में दम नहीं, 3000 से कम नहीं का नारा बुलंद किया गया। उन्होंने कहा कि जब तक हम दिव्यांगों के अधिकार को पूरा नहीं किया जाएगा तब तक हम लोग धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। हम सभी संस्थान के बैनर तले एकजुट होकर अपनी मांगों को पूरा करने के लिए सरकार से लड़ते रहेंगे। साथ ही उन्होंने जानकारी दिया कि हमारी संस्था दिव्यांग, विधवा एवं वृद्धजनों के आर्थिक समस्या को दूर करने के लिए हमेशा संघर्ष करते आ रहे हैं। विगत 35 वर्षों से हमारी संस्थान बिहार राज्य की दिव्यांगजनों की समस्या के समाधान हेतु सरकार से लड़ रही है। संस्थान के महासचिव मोहन कुमार के द्वारा दिव्यांग महापंचायत के आयोजित कार्यकर्ता बैठक में जानकारी दिया गया कि दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत दिव्यांगों को सभी मूलभूत सुविधा देने का सरकार का प्रावधान है, परंतु प्रशासनिक उपेक्षा के कारण दिव्यांगजनों को सुविधा नहीं प्राप्त हो रहा है। संस्थान के द्वारा सर्वप्रथम कटिहार जिला से दिव्यांग महापंचायत की प्रारंभ की गई है। वही 12 अगस्त को पूर्णिया जिला में विज्ञान महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आगामी 16 अगस्त को सहरसा स्टेडियम में दिव्यांग महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। इस बैठक में राम रतन साह, चंदन चौपाल, सुनील झा, रोशन कुमार चौधरी, विनोद चौधरी, पूनम देवी, डॉक्टर विपुल कुमार सिंह, नरेश कुमार, अजीत कुमार, मुरहीम, शशि कुमार राय, शिवशंकर झा, अनिल कुमार, राजेश कुमार, हीराकांत भगत, राजेश कुमार, तेज नारायण सिंह, गौतम कुमार सिंह, शोभा देवी, मुन्नी कुमारी, आनंदी राम ने अपने विचार व्यक्त किए। वही संस्थान के जिला प्रभारी सुनील कुमार ठाकुर, उमेश कुमार, शिवराम शर्मा, शत्रुघ्न साह, अवधेश राम, वीरेंद्र मंडल ने सराहनीय सहयोग प्रदान किया। आज महापंचायत का आयोजन किया गया है, क्या उद्देश्य? संस्था का मूलभूत उद्देश्य है इन दिव्यांगों को आत्मसम्मान पैदा करना, चाहे वो बिहार सरकार हो। आज किसी भी स्टेट में आज 400 रुपया क्या सोच के दिया जाता है, हमको ये समझ में नहीं आता है श्रीमान, कि इन विकलांगों को 400 रुपया से कैसे जीवन यापन होगा, चाहे वो विधवा है, वृद्ध है और विकलांग है, ये तीन श्रेणी है। मैं आपके साथ चैलेंज के माध्यम से ये रखना चाहता हूँ कि बिहार में 64 लाख दिव्यांग, विधवा, वृद्ध है। उन दिव्यांगों के लिए कौन हो चुका है इस तरह से पूरे 38 जिला में समस्त दिव्यांगों को एक जगह विधवा, वृद्ध और दिव्यांगों को संगठन करना ही इस संस्था का मूलभूत उद्देश्य है। इसके लिए हम लोग आर पार की लड़ाई लड़ने को तैयार है। क्या नाम हुआ? विनय भूषण प्रसाद। आज महापंचायत का आयोजन किया गया है, क्या उद्देश्य है? महापंचायत का आयोजन इसलिए हम लोग संस्थान के द्वारा किया गया है, भारत सरकार के द्वारा दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 के तहत दिव्यांगों को बहुत सारे अधिकार और सुविधा जो है सुगमता पूर्वक उपलब्ध कराने के लिए बिल पास किया गया, जो बिल को पूरे बिहार में अब तक लागू नहीं किया गया है। बिहार सरकार के द्वारा भी सभी जिला पदाधिकारी को आदेश दिया गया है, जिला स्तर पर दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 को लागू किया जाए और जिससे दिव्यांगों को हर सुविधा सरकार की जो है सुविधाजनक सुगमता पूर्वक उसको प्राप्त हो सके। और दूसरा हमारा मूलभूत ज्वलंत समस्या है कि बिहार के दिव्यांग, विधवा और वृद्धों को 400 रुपया पेंशन विगत कई वर्षों से मिल रहा है और दिव्यांगों की वर्तमान जो है महंगाई को देखते हुए इससे दिव्यांगों को एक दिन का एक कप चाय का पैसा दिया जा रहा है, जिससे दिव्यांग का कोई गुजारा होने का आशा नहीं है। उसके पास न कोई रोजगार है, न योग्य शिक्षा है, न उसके पास परिवार से भी वह उपेक्षित हो रहा है, परिवार एक उसको बोझ के रूप में देख रही है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि 400 रुपया का जगह सरकार के द्वारा कम से कम अन्य राज्यों की तरह 3000 रुपया का पेंशन भुगतान किया जाए, जिससे हम लोग वहाँ
जो है हर जिले में आयोजन कर रहे हैं और जिससे बिहार सरकार के प्रधान सचिव और जिला पदाधिकारी को लोग यह मांग सौंपेंगे और इसके लिए हम लोग 16 अगस्त 2023 को सहरसा स्टेडियम में महापंचायत का आयोजन करेंगे। संपूर्ण बिहार सहरसा जिला के दिव्यांग मित्रों और संघों के द्वारा और उनका मांग जिला पदाधिकारी के माध्यम से बिहार सरकार के प्रधान सचिव को भी हम लोग समर्पित करेंगे। जैसे दिव्यांग को 400 की जगह 3000 की जगह स्वीकृत कर दिव्यांग के अव्यवस्था को जो है आर्थिक सहयोग प्रदान करेंगे। क्या नाम है? मोहन कुमार महासचिव प्रधान कार्यालय।